ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में चौथे दौर की वार्ता जारी। सिंघू बॉर्डर के पास होटल में बातचीत। आंदोलन कर रहे किसानों से आज थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी मिलेगी। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में होगी मुलाकात। आगे की रणनीति को लेकर के सिंघू बॉर्डर पर आज पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक। इसके बाद तक किसान संयुक्त मोर्चा की होगी बैठक। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। अगली बैठक 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे। सरकार ने किसान नेताओं को 1.5 से 2 साल तक कृषि कानून पर रोक लगाने का दिया प्रस्ताव। सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान नेता करेंगे विचार। सरकार के साथ बैठक के बाद संतुष्ट नजर आए किसान, कहा आज एक कदम आगे बढ़ी है सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया है, कहा उम्मीद है किसान हमारे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड से पहले किसानों को दी जा रही है खास ट्रेनिंग। चिल्ला बॉर्डर पर आंसू गैस और लाठीचार्ज से बचने के गुर सिखाए जाना है। लुधियाना से सिंघू बॉर्डर रवाना हुआ ट्रैक्टर लेकर हजारों किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे किसान। करनाल में कृषि कानून के विरोध में निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। 24 जनवरी को नानकासर में दिल्ली के लिए मार्च करेंगे सैकड़ों ट्रैक्टर। बागपत में ट्रैक्टर रिहर्सल के बाद किसानों ने पीटी रिहर्सल भी शुरू किया। 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए किसानों की तैयारी। मथुरा में कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में समर्थन में मार्च निकाला गया। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन। 125 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर ली शपथ। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है भारतीय मूल की कमला हैरिस। हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने ट्रंप सरकार के कई फैसले को पलटा है। पेरिस एग्रीमेंट और विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिर शामिल होने का ऐलान किया। मैक्सिको बॉर्डर पर बन रही दीवार पर रोक लगाई। शपथ के बाद बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा हर तरह का भेदभाव खत्म करेंगे, कहा आज लोकतंत्र का दिन है। अमेरिका की कमान संभालने के बाद नए राष्ट्रपति के पास इंटरव्यू किया। जो बाइडेन ने सेना की सलामी भी ली। ट्रंप की विदाई के साथ ही चीन की अमेरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध। पीएम मोदी ने अमेरिका ने नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी है। ट्वीट करके कहा भारत अमेरिका के रिश्ते को हम और नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली ब्लैक महिला के सम्मान में पहनी बैंगनी ड्रेस, खुद भी प्रेसिडेंसी की चाहत जताई। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर तमिलनाडु के गांव में भी लोगों का जश्न। गांव वालों ने खुशी मनाई, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के डैम बनाने की योजना पर भारत की कड़ी आपत्ति। भारत के अधिकारों पर अतिक्रमण बताया। जल शक्ति मंत्रालय ने जताया जल संकट बढ़ने का खतरा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दी है। 5,281 करोड़ की लागत से बनेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। लवजात के मामले में एनआईए की टीम बांग्लादेश पहुंची है। तमिलनाडु के रहने वाले लड़की के पिता ने यह केस दर्ज कराया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बंगाल में ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सबसे बड़ी सेंध। पीरजादा अब्बास से सिद्दीकी आज नई पार्टी का ऐलान करेंगे। ओवैसी के साथ हाथ मिला चुके हैं पीरजादा। ममता बनर्जी का नेताओं को आदेश, पार्टी नेता लोगों के घर घर जाकर सरकार के विकास कार्यों को बताएं, लोगों की समस्याएं सुलझाएं। तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। मुंबई में ड्रग्स माफिया चिंकू पठान की फैक्ट्री में एनसीबी की छापेमारी, करोड़ों की ड्रग्स समेत कैश बरामद। मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को फिर से नोटिस भेजा है। जावेद अख्तर पर विवादित बयान देने के मामले में 22 जनवरी को जुहू पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा गया। हैदराबाद के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, हादसे में 13 लोग हुए हैं घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 दिनों में देशभर में करीब 8 लाख लोगों तक वैक्सीन पहुंच चुकी है। 20 राज्यों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का किया शुभारंभ, 1 महीने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राम मंदिर निर्माण पर अयोध्या में अहम बैठक आज। मंदिर की नींव डिजाइन और सामग्री के इस्तेमाल को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। समर्पण निधि अभियान पर कांग्रेस नेता अजय राय ने सवाल उठाते हुए पूछा पहले इकट्ठा हुए 1400-1500 करोड़ रुपए चंदे का क्या हुआ है, बीएचपी संघ और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। यूपी सरकार में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं पर एक्शन जारी, मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो पर कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। प्रयागराज में माफियाओं पर प्रशासन की सख्ती जारी है, अतीक के भाई
अशरफ की संपत्ति जल्द कुर्क होगी। 24 से ज्यादा दर्जन केस, डीएम ने इसका आदेश जारी किया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से चल रहा चेकिंग अभियान, वाहनों की कंडीशन ठीक नहीं होने पर सफर की इजाजत नहीं, टायर साइड मिरर और गाड़ी के इंजन की भी जांच। लड़कियों के मोबाइल नंबर हैक करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकालकर सोशल मीडिया के डर्टी ग्रुप्स में डालने का आरोप है। फरुखाबाद में मामूली विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़े, इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, घटना का वीडियो वायरल। शिवराज सरकार ने पलटा कमलनाथ का एक और फैसला, अब विधायक अपनी निधि से सामाजिक संस्थाओं को पैसा दे पाएंगे। मध्य प्रदेश में ई टेंडर घोटाले में हैदराबाद से दो आरोपी गिरफ्तार हुए, फर्जी तरीके से अपनी कंपनी के टेंडर कराने का आरोप है इन पर। खंडवा के अनुवंतिया में पैराग्लाइडिंग करते वक्त हादसा हो गया, नीचे गिरने से पैराग्लाइडिंग पायलट और एक पर्यटक की मौत, कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। आगामी बजट पर आज भी मंथन करेंगे सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री समेत दूसरे मंत्रियों के साथ होगी चर्चा। लाल आतंक के गढ़ में नए आयाम गढ़ रहे युवा, दंतेवाड़ा में खुली छत्तीसगढ़ ब्रांड वाली पहली गारमेंट फैक्ट्री, 500 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी है, बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है। जोधपुर में बिटकॉइन के नाम पर 15 लाख की ठगी का मामला सामने आया, 1 महीने में पैसा डबल करने का झांसा दिया गया था, पीड़ित की शिकायत के बाद जांच में जुटी है पुलिस। गुरुवार को सेंसेक्स में रिकॉर्ड तेजी, 50,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में कुदरत का दिलकश नजारा, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर, टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर, जी हिंदुस्तान, डाउनलोड करें और बाखबर रहें।